हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवम है। मैं आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हार्डली 5 से 10 मिनट की होने वाली है, लेकिन ये 5 से 10 मिनट की वीडियो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि मैं नॉर्मली एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन में मैंने BSc की हुई है और यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है, और ये सारे एग्ज़ाम्स मैं क्लियर कर पाया हूँ जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, और उनका स्कोर, ये मेरा स्कोर है। और ये CGL 19 एग्ज़ाम, जो कि वन ऑफ CGL का एग्ज़ाम जो कि प्रोमिनेंट एग्ज़ाम है, लोग इसके बारे में सपना देखते हैं, और इसमें मेरा स्कोर 643 आउट ऑफ 700 है। इस एग्ज़ाम में इंग्लिश 250 नंबर की आती है, और यूपी बोर्ड वालों को तो आप जानते हैं कि उनकी इंग्लिश सही नहीं होती है। फिर मैंने इसमें कैसे इतना अच्छा स्कोर किया कि मैं 643 स्कोर कर पाया, तो इसी बारे में हम लोग आगे समझेंगे। और एक जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं ना, तो एक मिथ होता है कि यूपी बोर्ड वाला लड़का या कोई भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत हाई लेवल के बच्चे बैठते हैं, जैसे BTech वाले या CBSE बोर्ड वाले, जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी होती है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया हूँ ना, तो आप लोग भी क्लियर कर लेंगे। और एक और चीज़ होती है कि जब हमारे बड़े जो आसपास के लोग होते हैं वो हमको बताते हैं कि 4 साल 5 साल, क्योंकि उन लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो लोग हमको भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि इस एग्ज़ाम को हम लोग 4 5 साल में क्लियर कर पाएंगे या फाइनली होगा ही नहीं। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जैसे इस एग्ज़ाम को 1 साल में क्लियर किया हुआ है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया हुआ है, तो आप लोगों को भी मेरी तरह बनना है, ना कि इस एग्ज़ाम में आप फेल होते रहें और 4 5 साल ले जाएं या फाइनली आपका सिलेक्शन ही ना हो। तो आप लोगों को ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि देखो इस एग्ज़ाम में जो बच्चा 1 2 बार फेल हो जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट हो जाता है, फिर इसके बाद वो गलत कंटेंट पढ़ता है, शुरुआत से ही उसका कंटेंट सही नहीं होता है, फिर और गलत कंटेंट पढ़ने लगता है, और फाइनली वो एक ब्लैक होल जैसी स्थिति आ जाती है, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि ब्लैक होल में अगर कोई चीज़ चली गई तो फिर वो कभी वापस नहीं आती। तो वैसे ही अगर इस एग्ज़ाम में कोई बच्चा 1 बार फेल हुआ 2 बार फेल हुआ, तो फिर वो फेल होता चला जाता है और वो उससे बाहर नहीं आ पाता। तो आप लोगों को इसी चीज़ को ओवरकम करना है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको इस एग्ज़ाम की प्रोसेस को समझना होगा कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे जब SSC CGL एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें आपको सिलेबस दिया होता है। सबसे पहले आपको इसके सिलेबस को समझना होता है कि इसका सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना कंटेंट डिज़ाइन करना होता है या आपको कंटेंट गैदर करना होता है। कहाँ से आप लोग गैदर करेंगे? बुक्स से। इसके लिए आपको बुक्स का कलेक्शन, अच्छी बुक्स का कलेक्शन जो आप जिनको पढ़ के आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टीचर का सिलेक्शन, क्योंकि टीचर से जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बुक पढ़ने में आसानी होती है, या एग्ज़ाम की रेलिवेंसी के हिसाब से हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, टीचर के पढ़ाने से अपनी बुक्स को, या बुक्स में हमें क्या पढ़ना है वो हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बेसिकली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इस एग्ज़ाम में जैसे मेंस है, तो मैथ में इसमें मेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 घंटे में करने होते हैं, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 2 घंटे में। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैक्सिमम टाइम फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे देना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सब आप कर किस लिए रहे हैं? आप एग्ज़ाम देने के लिए कर रहे हैं ना, तो आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में आप आके अच्छा स्कोर करेंगे और आपका रिजल्ट आएगा, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत देती हैं, जैसे जब आप बुक का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको दिक्कत आती है, टीचर का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको दिक्कत आती है। तो हम लोग इस वीडियो में फिलहाल तो इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के लिए आपको क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या बुक पढ़नी है, कौन टीचर फॉलो करना है, क्या मैंने फॉलो किया, इस टाइप से। तो देखो 4 सब्जेक्ट होते हैं, 50 50 क्वेश्चन, 50 50 नंबर के सारे आते हैं, 25 25 क्वेश्चन। तो इस बुक सॉरी मैंने अभी बोला ना, इस वीडियो में हम लोग अभी इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। थक गया हूँ यार मैं। तो इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में, जैसे मैंने सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको बुक्स में मिलती हैं और वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, या कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमको 3 4 बुक को मिला के पढ़ना पड़ता है, फिर हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि क्या चीज़ इनमें से एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
तो ऐसे ही मैंने इसमें बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे आपकी एसपी बख्शी की बुक हो गई, प्लिंथ टू पैरामाउंट हो गई, एमबी पब्लिकेशन हो गई, और करेक्टिव इंग्लिश ग्रामर हो गई, मिरर ऑफ कॉमन एरर हो गई, लूसेंट हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लूसेंट की बात करूं तो इसमें बहुत सारा इररिलेवेंट कंटेंट है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर आप ये सारा कुछ पढ़ेंगे और एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में आपने उतना सब याद तो रहेगा नहीं, इतना ज़्यादा सारा जब पढ़ जाओगे तो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। या आप कोई एक दूसरी बुक पढ़ते हैं जिसमें कंटेंट कम है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में तो कर नहीं पाना है। तो इसके लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है जो मैंने पर्सनली मॉनिटर किया हुआ है, जिस पर मैंने वर्किंग भी की हुई है। तो ये चीज़ आपका टाइम मिनिमाइज भी कर सकती है एग्जाम के लिए। जैसे मैं अभी मेंस देने जा रहा हूँ CGL 2020 का, तो मैं उसमें इसी बुक से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, द स्मार्ट बुक। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे ऐसे बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मतलब कि ये एग्जाम की रेलिवेंसी के हिसाब से एकदम परफेक्ट बुक है ना। तो अब ये बुक वाली बात हो गई इंग्लिश की। बाकी बुक्स के बारे में, जैसे मैथ, रीजनिंग और जीएस, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बुक के बाद बात आती है टीचर की। मैंने किस टीचर को फॉलो किया, या आप लोगों को किस टीचर को फॉलो करना है? देखो, जिस टीचर के साथ तुम्हारी टोन मैच करे उस टीचर से पढ़ लो, लेकिन एग्जाम की रेलिवेंसी के हिसाब से। मतलब वो टीचर आपको एग्जाम की रेलिवेंसी के हिसाब से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो उसके लिए आप लोग मेरी गाइड मानो, मेरी गाइडेंस मानो। देखो, मैंने तो पढ़ा था जय सर से, उनसे पढ़ने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला, तभी मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ के समझ पाया, लेकिन मेरा टाइम फिर भी काफ़ी हद तक वेस्ट हुआ। तो आप लोगों को वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे अगर आप लोगों को जय सर से पढ़ने को, तो वैसे ऑफलाइन तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है जिससे आप जय सर से पढ़ सकते हैं, इस बुक से। क्योंकि इस बुक में QR कोड्स हैं, QR कोड्स में आपको जय सर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है, एग्जाम क्लियर किया है, तो शायद आपकी भी वो जरूरत है। और भी टीचर्स हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं, एक और चीज़, जैसे वीडियोस अगर हम देखते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए होते हैं, या पेड कंटेंट कई सारे एप्लीकेशन वाले या जो भी अपना बेच बेच रहे हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो, अच्छा मेरी राय मानो तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्शन करना है इन दोनों में से, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग पेड कंटेंट, अगर आपको वो फ्री में मिल जाए तो वो आप लोग पढ़ें। तो जैसे इस बुक में पेड कंटेंट आपको फ्री में ही है, क्योंकि 600 रुपये की बुक है और इसमें आपको 5 टीचर्स दिए गए हैं, तो आप लोग आराम से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग ये बुक लें और जय सर से पढ़ें, और अपने एग्जाम को जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर पाएं। बाकी आपकी मर्जी। अगली वीडियो में मिलते हैं।